बिहार के बक्सर में एक कार्यक्रम में जाने के दौरान आरा सर्किट हाउस में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि देश की बढ़ती आबादी सेकेंड स्टेज कैंसर है और इसे काबू करने के लिए कठोर कानून बनाए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर इसे काबू में नहीं किया गया तो यह चौथे स्टेज का कैंसर बन जाएगा जो लाइलाज होगा। उन्होंने कहा कि 2023 तक अगर इस पर लगाम नहीं लगाया गया तो यह बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि भोजन तो जैसे तैसे मिल पाएगा पर पानी की किल्लत बढ़ जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि सख्त कानून बनाए जाने की जरूरत है और जो इसका पालन नहीं करते हैं उनके लिए बिना किसी धर्म के आधार के मताधिकार निरस्त होने और आर्थिक लाभ नहीं मिलने जैसी सख्त सजाओं के प्रावधान होने चाहिए। सिंह ने कहा कि जो लोग आबादी नियंत्रण के खिलाफ हैं वह इस चर्चा में धर्म लाने की कोशिश करते हैं। हालांकि गिरिराज सिंह ने रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए यह भी कहा कि अल्पसंख्यक महिलाओं का फर्टिलिटी रेट बहुसंख्यक महिलाओं की तुलना में ज्यादा होता है। चीन की तरह भारत को भी कड़े कानून बनाने चाहिए। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वतंत्रता दिवस के भाषण में भी बढ़ती आबादी को काबू में करने के बात पर जोर दिया था। सख्त कानून बनाए जाने के लिए आंदोलन की जरूरत है। अगर यही आबादी का रहा तो 2023 में 10 आदमी में 1 आदमी को शुद्ध पानी नहीं मिलेगा और 2050 में आकर के जितनी पानी की आवश्यकता है उससे 55% अधिक पानी लगेगा। ये ना राजनीति का विषय है, ना वोट का विषय है, ना धर्म का विषय है, ये विषय है भारत के जनजीवन के उत्थान में बाधक है। इसलिए ATN Live।